निश्चित रूप साजिश है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। हिंदुस्तान आस्था, भक्ति और धर्म मान्यताओं का देश है, लेकिन इस समय चमत्कारिक बाबाओं की पूरे देश में YouTube, जब से सोशल मीडिया आया है, डिजिटल करण हुआ है पूरे देश में, तो एक तरीके से चमत्कारिक बाबाओं की धूम मची हुई है और लोग भी सुनना चाहते हैं। शायद लोगों की इसी भावना का फायदा उठाने के लिए जगह जगह YouTube पे आपने चमत्कारिक बाबा देखे होंगे। हम सारे बाबा गलत हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे बाबा सही हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन चमत्कारिक बाबाओं की धूम है। कानपुर के करौली आश्रम है, इसके चमत्कारिक बाबा संतोष भदौरिया भी YouTube और सोशल मीडिया पे जमकर पॉपुलर हैं, लेकिन अब उन चर्चा में दोबारा आए हैं क्योंकि उनके खिलाफ नोएडा के रहने वाले एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने FIR लिखाई है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक 22 फरवरी को YouTube पे वो पहले बाबा के चमत्कार देखा करते थे, उनकी भक्ति संघर्ष सत्संग और लोगों के इलाज करते हुए अपने मंत्रों के द्वारा उनको इलाज से फायदा होते हुए भी देखा करते थे। YouTube में जिस तरह से चलते थे, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनके वीडियो वायरल होते थे, उसी को देख करके हम आए थे उनका चमत्कार देखने की। ये मनसा लेकर के आए थे वो चमत्कार देखने की, ऐसा उन्होंने FIR में भी लिखा है। और आने के बाद, कानपुर आने के बाद, वो संतोष भदौरिया बाबा से मिलते हैं करौली आश्रम में जा करके, और वहाँ जा करके वो उनसे दो बार कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा जो FIR लिखाई गई उसके मुताबिक संतोष भदौरिया बाबा डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को कहते हैं नमस्ते शिवाय कहो, इसके दो बार कहने के बाद भी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कहते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ चौधरी का आरोप है, इसके बाद बाबा नाराज हो जाते हैं और अमर ने समर्थकों और बाउंसरों को द्वारा मुझे बाहर फेंकवा देते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने FIR लिखाई है कि बाबा के बाउंसरों और समर्थकों ने मुझे जमकर पीटा है, जिससे मेरे काफ़ी चोट आ गई और मैं नोएडा चला गया। मैंने इलाज कराया, ठीक होने के बाद 19 मार्च को वो कानपुर आते हैं, अपनी FIR लिखाते हैं। चूंकि करौली आश्रम केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के 17 देशों में काफ़ी मशहूर है, यहाँ के वीडियो, बाबा का प्रवचन और यहाँ भक्तों को बाबा के साथ सत्संग करते हुए, अपनी समस्या बताते हुए, इलाज में फ़ायदा होने का दावा करते हुए काफ़ी वीडियो पॉपुलर होते हैं, ऐसे में उनके ऊपर FIR होना ही बड़ी बात थी। सोशल मीडिया पे इसकी जमकर गूंज होने लगी। इस मामले में जब हमने बाबा संतोष भदौरिया से फ़ोन पर खुद बात की तो उनका कहना था कि मैं एक केबिन में बैठता हूँ, 25 फुट दूर मुझसे बैठते हैं, मेरे साथ वो भक्त मिला ही नहीं, मारपीट का आरोप गलत है। उनका यह भी आरोप है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये कुछ लोगों का कुचक्र है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस चाहे जो जांच करना चाहे आ जाए मेरे आश्रम में, जैसे चाहे वैसे जांच कर ले, हम पाक साफ हैं, हर तरह से पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे। अब आप लोग देख रहे थे जैसे यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को, हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली कि बाइट लेनी है, क्या हो गया, क्या साजिश मानते हैं? निश्चित रूप साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश ही है। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। ये बाबा का कहना है, उधर डॉक्टर चौधरी का कहना है कि मेरे साथ मारपीट हुई, डर के मारे मैं नोएडा चला गया था, उसके बाद मैंने आके FIR लिखाई है। इस मामले में हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। ACP दिनेश शुक्ला का कहना है, इस मामले में आश्रम के हम फुटेज निकाल रहे हैं और फुटेज के आधार पर हम देखेंगे क्या घटना हुई, उसके बाद पूरी विधि संगत कानून सम्मत जाँच की करके कार्रवाई की जाएगी। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो कुरिया चौकी अंतर्गत थाना विधु क्या आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है।
विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। हालांकि बाबा की तरफ से संतोष बाबा ने अपना बयान जारी किया है और बयान के साथ साथ उन्होंने उस दिन का फुटेज भी जारी किया है जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी बाबा से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और बाबा उनको मंत्र बोल रहे हैं। इस मामले में क्या होगा, जांच में क्या हकीकत निकलेगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे देश के लोगों को अपनी धार्मिक सोच में आस्था में चमत्कार देखने की अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धार्थ चौधरी एक बड़े डॉक्टर हैं। नोएडा के एक डॉक्टर सिर्फ चमत्कार देखने के लिए अगर आश्रम में जाता है तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के क्रियाकलाप, इस तरह के दुर्व्यवहार उसको यहाँ नहीं तो किसी न किसी आश्रम में, किसी न किसी जगह पर फेस करने ही होंगे। अब देखना है पुलिस इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये मामला कानपुर के साथ साथ पूरे देश में करौली आश्रम को लेकर चर्चा में बना हुआ है। रंजय सिंह, कानपुर तक।